साथियों नमस्कार। कल हमने भारत की अनेकता में एकता से संदर्भित कुछ बातें की थी, खासतौर से भारत के परिचय के बारे में कि उसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है, उसका एरिया कितना है, विश्व पर कितने भाग में इसका विस्तार है, इसी तरह से उसका उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम इसका विस्तार कितना है किलोमीटर में। साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी कि इंडिया की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 15,200 किलोमीटर, इसका डिस्कशन किया था। कोस्ट लाइन के साथ और मेन लैंड जो इसकी अलग अलग है, अगर हम मेन लैंड की बात करें तो इसकी आ जाएगी, और कोस्ट लाइन की हम बात करते हैं तो कितनी, ये सारा इंट्रोडक्शन हमने बात किया था। और खासतौर से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये भी बात की थी कि कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया के से की सीमा से सटी हुई है। हमने वर्ड आप एक सेंटेंस आपसे बोला था बचपने में, भूत अफगानी, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो इसको बॉर्डर करती हैं। इसी तरह से इंडिया की जो बाउंड्रीज हमने कल बात की थी, दो तरह की बाउंड्री, एक तो आर्टिफिशियल बाउंड्री और एक नेचुरल बाउंड्री। ये सारी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज है, जैसे रेड क्लिफ बाउंड्री है जो पाक और इंडिया और पाक के बीच में है, मैकबॉर्न लाइन है जो इंडिया और चाइना के बीच में है, डूरंड लाइन है जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, ये सारा हमने डिस्कशन किया था। इसी तरह से कल हमने ये बात की थी कि इंडिया का जो भारत का उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में, उसी तरह से जो उसका दक्षिणी बिंदु है ग्रेट निकोबार जो हमारा द्वीप है उसका एक पॉइंट है जिसको हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मालियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट कहते हैं। ये है कंपटीशन में चीजें पूछी जाती है इसलिए आप उसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जब हम पूर्व और पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो जैसा कि हमें मालूम है कि भारत का जो पूर्वोत्तम राज्य है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह किबितू अंजा डिस्ट्रिक्ट की, और वो ये किबितू जो हमारा पूर्वोत्तम बिंदु है भारत का। इसी तरह से अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुजरात जो हमारा राज्य है उसका रैन ऑफ कच्छ में एक जगह है गुहर मोती, ये हमारा पश्चिमी बिंदु है। जो लंबाई हमने चौड़ाई देखी थी भारत की 2,233 किलोमीटर वो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है भारत की, एक विशेषता यह है जैसा कि हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि बिल्कुल इसके लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा भी गुजरती है इन आठ राज्यों से जिनका नाम यहाँ शॉर्टकट में लिखा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारे आठ राज्य हैं जिनसे गुजरती है। एक मैप हम आपको दिखाएंगे, इस मैप से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसका जो एक्सटेंशन है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेके ये हमारा इंदिरा कॉल, ये हमारा केप कॉमरी, लेकिन जब हम बिल्कुल दक्षिण बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ हमारा इंदिरा पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट या पिग्मालियन पॉइंट जिसे कहते हैं। इसी तरह से ये हमारा किबितू और ये जो है गुहर मोती, ये हमारे भारत का एक्सटेंशन है। एक बात हमने और आप की थी कल आपसे कि ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है पूरी, ये डॉटेड लाइन हमारी हमारा यह लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया का जो टाइम मेजर किया जाता है 82.5 डिग्री, यहाँ से भारत का समय मेजर किया जाता है। कल हमने ये भी बात की थी कि इस स्टैंडर्ड मेरिडियन से जो समय इस समय होता है वो पूरे भारत का समय होता है। हम जानते हैं कि जैसा जो हमारा देशांतर होता है हर दो देशांतर के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, इसीलिए भारत के पूर्व और पश्चिम में जो समय है वो पूरे 2 घंटे का समय है। ये जनरल इंट्रोडक्शन की बात थी, कल हमने आपसे ये बातें की थी। आज हम बेसिक जो हमारा मेन मुद्दा है हम उस पर डिस्कशन करेंगे आपसे, उस मेन मुद्दे पे वो मुद्दा हमारा होगा डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, ये बातें जनरल इंट्रोडक्शन थी भारत की। अब बेसिक रूप से जो अनेकता है भारत में उस अनेकता की हम बात करेंगे, डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं। तो भारत जैसा विशाल देश जिसका जो है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और 7वां बड़ा देश दुनिया का माना जाता है, तो निश्चित रूप से अगर इसका इतना बड़ा भूभाग है तो उसमें बहुत सारी विषमताएं होना, अनेकताएं पाया जाना स्वाभाविक है। तो हम उस डाइवर्सिटी को कुछ पॉइंट्स में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो वो डाइवर्सिटी उसकी जियोग्राफिक डाइवर्सिटी हो सकता है, बहुत सारी क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, बहुत सारी सॉयल डाइवर्सिटी है, नेचुरल वेजिटेशन में डाइवर्सिटी है, सॉयल में डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, विषमता पाई जाती है, बहुत सारी सांस्कृतिक विषमताएं भी भारत में पाई जाती हैं। तो खासतौर से जिसका असर सबसे ज़्यादा
मानव की एक्टिविटीज पे पड़ता है, यहाँ के तमाम सारी क्रियाओं पे पड़ता है, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं भू आधारित विषमता या जियोमॉर्फिक डाइवर्सिटी। इस विषमता को अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारी चीजें शामिल की गई, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कि उसका जो धरातलीय स्वरूप कैसा है, तो उसमें पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं और नदी घाटियां भी पाई जाती हैं। अगर इसका हम फिजिकल मैप देखें इंडिया का, तो आपको पता चलेगा भारत की फिजिकल मैप से जबरदस्त किस्म की डाइवर्सिटी, जिसको हम फिजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, भौतिक विषमताएं या अनेकताएं कहते हैं, वो पाई जाती है। ये पूरा हिस्सा जिसे हम अल्पाइन पर्वत श्रेणी या हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से है, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से ये हिमालय पर्वत की श्रेणियां यहाँ आपको दिख रही है। पूरा माउंटेन पूरा एरिया है। आज वर्तमान में इस एरिया को लेके इंडिया और चाइना में एक टसल भी है, जिससे हम सब लोग अभी जूझ रहे हैं, हमारी सेनाएं वहां लग रही है। ये पूरा एरिया जो हमारा है वो बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है। उसके बाद जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, ये पूरा एरिया मध्य भारत का और उत्तर भारत का, ये लगभग ये पूरा एरिया जिसे हम इंडो गैंगेटिक प्लेन कहते हैं, ये पूरे दुनिया के उपजाऊ मैदानों में से एक विशाल काय मैदान है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को की रीढ़ जिसे कह सकते हैं, उसका आधार जिसे कहते हैं कृषि प्रमुख व्यवसाय यहाँ किया जाता। उसके बाद जब हम दक्षिण की बात करते हैं, मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा ये हमारा पठारी प्रदेश है, जिसे हम भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं, ये पूरा पठारी प्रकार की स्ट्रक्चर है। इसी तरह से जब हम कोस्टल एरियाज की बात देखें, तो यहाँ देखेंगे हम तटीय मैदान पाए जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में फिजिकल डाइवर्सिटी काफी विद्यमान है, और ये जो फिजिकल डाइवर्सिटी यानी भौतिक जिसे हम भूआकृतिक स्वरूप कहते हैं, इस भूआकृतिक स्वरूप की वजह से ही यहाँ की जलवायु में विषमता पाई जाती है, यहाँ के वनस्पतियों के वितरण में विषमता पाई जाती है, और यहाँ के मृदा जिसे हम सॉयल कहते हैं, उसके प्रकार में भी विषमताएं पाई जाती हैं। तो द इंडिया इज फुल ऑफ फिजिकल डाइवर्सिटी जिसे हम कह सकते हैं, पूरी तरह से इसमें भौतिक विषमता जो है वो पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें अग्नि विषमता की फिजिकल में ही, तो दूसरी बात आती है क्लाइमेट की, जलवायु की विषमताएं होती हैं। तो जलवायु की जो विषमता होती है, हम जानते हैं कि किसी जगह की जलवायु को उसका धरातलीय स्वरूप, उसका अक्षांशीय देशांतरीय जो स्थिति है वो जो है वो नियंत्रित करती है। तो भारत में हम जानते हैं कि जलवायु प्रमुख रूप से मानसूनी प्रकार की है, तो इसका जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी जैसे हमने बात की थी अभी, तो उस क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी में यहाँ ये देखें, यहाँ सीजन्स, भारत में अगर हम जलवायु विषमताओं की बात करें तो बड़े क्लियर कट तीन तरह के सीजन यहाँ यानी ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ये तीनों ऋतुएं अपने आप में यहाँ के क्लाइमेटिक यानी जलवायु विषमताओं को आइडेंटिफाई करती हैं, इसको प्रदर्शित करती हैं, और इन तीनों ऋतुओं में जो विशेष रूप से जलवायु के तत्व होते हैं, जिनको हम टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और प्रेशर और आदि सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, वो सारी चीज़ों में विषमताएं अगर हम देखें भारत में एक चीज़ को, तो कितनी विषमता पाई जाती है। टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, तो जहाँ टेम्परेचर यहाँ उत्तर पश्चिम भारत का ग्रीष्मकाल में 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है राजस्थान का, वहीं यहाँ जो टेम्परेचर उत्तर भारत का है, जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, लेह का, उस एरिया में -40 -45 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसी तरह से ये जो तटीय एरिया है भारत का, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो यहाँ लगभग जल समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे साल पाया जाता है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि पूरा जो एरियल डिफ्रेंशिएशन है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में, वो काफी कुछ परिवर्तित है पूरे भारत में। एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जलवायु की, जो भारत की अर्थव्यवस्था को और यहाँ के रहन सहन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो है वर्षा। वर्षा तो इस मैप से आपको दिख रहा होगा कि वर्षा की मात्रा में लिखा हुआ है कि अबव 400 सेंटीमीटर 200 to 400 सेंटीमीटर। ये जो पूर्वोत्तर भारत है, ये अधिकांश हिस्सा इसका ऐसा है पूर्वोत्तर भारत का जो मैक्सिमम वर्षा वाला एरिया है। हम जानते हैं कि मानसून जब यहाँ से चलता है तो इस पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से टकरा के सबसे ज्यादा यहाँ मेघालय में मौसम ग्राम में बारिश करता है, जो 1300-1400 सेंटीमीटर वर्षा है, दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र ये।
इसी मानसून की एक शाखा जो है अरब सागर की ब्रांच जो है जब यहाँ पश्चिमी घाट से टकराती है, यहाँ भी बहुत सारी वर्षा करती है, तो पश्चिमी घाट का एरिया और पूर्वोत्तर भारत का एरिया अबव 300-400 सेंटीमीटर वर्षा का एरिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम इधर से पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं, वर्षा के वितरण में कमी आती चली जाती है और यहाँ 100-150 सेंटीमीटर वर्षा, उसके बाद 60-100 सेंटीमीटर वर्षा, फिर 40-60, 20-40 और लेस देन 20 सेंटीमीटर वर्षा, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। यहाँ की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इसके वर्षा के वितरण को काफी प्रभावित करती है। यहाँ हम जानते हैं कि अरावली श्रेणियां हैं, ये अरावली श्रेणियों की वजह से ये हमारा जो अरब क्या बंगाल की खाड़ी वाली मानसून की शाखा है वो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में नहीं जा पाती है इन अरावली पहाड़ियों की वजह से, इसलिए यहाँ क्लियर कट डिमार्केशन होता है। इधर तो वर्षा 50-100 सेंटीमीटर, उधर वर्षा मुश्किल से 30-25 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। तो भारत में अगर हम वर्षा के एतबार से देखें क्षमताएं तो पर्याप्त विभिन्नता इसमें पाई जाती है। अगली बात अगर हम करें दूसरा मैप देखें वर्षा के साथ साथ, ये हमारा सॉयल मैप है भारत का, मृदा का वितरण अगर हम देखें तो जब हम भौतिक विषमताएं देखते हैं तो उसमें फिर अभी हम बात करते हैं सॉयल की, तो देख रहे हैं अलग अलग कलर से ये सॉयल का वितरण दिखाया गया है, कहीं हमारी ये फॉरेस्ट और माउंटेन सॉयल, कहीं हमारी जो है वो कांप मिट्टी जिसको हम एलुवियल सॉयल कहते हैं, इसके साथ साथ रेड एंड येलो सॉयल, फिर उसके बाद यहाँ ब्लैक सॉयल का पूरा हिस्सा महाराष्ट्र, पाटसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा ब्लैक सॉयल का, लैटेराइट सॉयल, ये एलुवियल सॉयल पूरी, यहाँ जो हमारी है एरिड सॉयल जिसको हम डेजर्ट सॉयल कहते हैं वो पूरा। तो सॉयल के हिसाब से भी मृदा के एतबार से भी भारत में विषमता पाई जाती है। एक विषमता के लिए मैं आज आपसे और बात करूंगा। एक अगला मैप जो दिख रहा है हमें, इस मैप से अगर हम देखें नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति में भी पर्याप्त मात्रा में विषमता पाई जाती है, क्योंकि वनस्पतियां बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा पर पूरी तरह से निर्भर करती है, तो जैसे जैसे वर्षा की मात्रा होगी वैसे वैसे वनस्पतियों का स्वरूप भी बदलता चला जाएगा। हमने देखा था कि पश्चिमी घाट में वर्षा की मात्रा ज्यादा है, तमिलनाडु कोस्ट में वर्षा की मात्रा ज्यादा है, पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है वैसे वैसे वनों का स्वरूप भी बदलता चला जाता है, यहाँ पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, पतझड़ों में भी एक ड्राई होता है यानी शुष्क पतझड़ वन और एक जो है वो आर्द्र पतझड़ वन होते हैं। जब हम बिल्कुल एक्सट्रीम पश्चिम भारत में जाते हैं तब हम देखते हैं कि यहाँ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मीन्स उष्णकटिबंधीय कटीली वन श्रेणी कह सकते हैं जिनको बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है, बहुत कम मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ कटीली पतीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो हम जैसे जैसे देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, तो प्राकृतिक वनस्पति में भी पर्याप्त विषमता पाई जाती है, ये भारत की विषमताओं को भारत की विषमताओं को का द्योतक है।